नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये चल रही ड्रुपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की सीरीज़, जहाँ तक कि अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, अपना कॉमर्स सेटअप कर लिया है और एक थीम इंस्टॉल कर लिया है। अब दोस्तों, उस थीम से हम लोग क्या करेंगे, उस थीम से हम लोग एक अपनी सब थीम बनाएंगे, ठीक है। तो हम अपने अपीयरेंस में जब जाके देखेंगे तो हमारे पास ये बूटस्ट्रैप का जो थीम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या कि हम इसमें डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ की हमने थीम इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है। तो ये थीम के अंदर आप जब जाएंगे, साइट्स के अंदर, ऑल के अंदर, थीम के अंदर जब जाएंगे तो आपको बूटस्ट्रैप मिलेगा। जब इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस फोल्डर के अंदर आपको जाना है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये मिलेगा CDN लेस सास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें चूज़ करना है इनमें से। तो हम CDN लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, जिनको लेस और सास का नॉलेज है वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी CDN लेके चलते हैं, ठीक है। और इस CDN को हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। और इस CDN को कॉपी करने के बाद हम बाहर बूटस्ट्रैप, जहाँ हमारा थीम पड़ा हुआ है, थीम उसके अंदर, मतलब थीम डायरेक्टरी के अंदर हमें रखना है CDN, ठीक है। CDN अब इसको आप रीनेम कीजिए अपने थीम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग अभी अपने थीम्स, मतलब आप जो अपनी थीम का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी कॉमर्स पे चल रहे हैं, तो कॉमर्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया माई अंडरस्कोर कॉमर्स, ठीक है। अब इस नाम को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अंदर चलिए, ठीक है। CSS फोल्डर में जो CSS है इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे ये ब्लैंक है, ठीक है। तो ये ब्लैंक है और इसके बाद हम इसमें अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स का जो फोल्डर है इसमें हमारा कोई TPL नहीं है, ठीक है। इसके अंदर TPLs आती हैं। और अगर हम इसमें, इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा, जो CDN डॉट करके है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अपना जो हमने पीछे नाम दिया था माई अंडरस्कोर कॉमर्स डॉट इन्फो लगा देंगे इसमें, ठीक है। डॉट इन्फो लगा देंगे, ठीक। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें यहाँ नेम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम नेम रहेगा तो हम कन्फ्यूज़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माई, ठीक है, माई कॉमर्स हो गया। यहाँ आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है। और ये हमारा एक जो हमारा बेस थीम है वो बूटस्ट्रैप ही रहेगा दोस्तों, इसी का ही पूरा खेल है। अगर आपने अपनी कोई कस्टम थीम बनाई है और उसमें आपने बेस थीम इज इक्वल टू अपना नाम दे दिया थीम का, जो आप बेस थीम रखना चाहते हैं, तो वो आपका पूरा सब थीम का फंक्शनलिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास रीज़न और ये हमारी स्टाइल सीट है, ठीक है। तो इसको हमें और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जब हम वहाँ जाके देखेंगे अपीयरेंस में, तो हमारा एक माई कॉमर्स करके एक थीम मिल गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे, ठीक है। इनेबल कर लिया और पीछे चल के देखते हैं, तो ये हमारा अपना सब थीम इंस्टॉल हो गया, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।